साउथ शकील ने श्रीलंका के खिलाफ दोहरा शतक लगाकर रच डाला इतिहास। अकेले शकील ने पूरी श्रीलंकाई टीम की धज्जियां उड़ा दी। जी हां दोस्तों, आखिरकार कैसा रहा पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन का हाल, साथ ही साउथ शकील ने कैसे उड़ाई श्रीलंकाई टीम की पूरी धज्जियां, बताएंगे आपको सब कुछ आज की इस खास वीडियो में आगे। लेकिन अगर आप भी साउथ शकील की इस बेहतरीन पारी से खुश हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच फिलहाल दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है। श्रीलंकाई टीम ने अपनी पहली पारी में 10 विकेट गंवाकर 312 रन बनाए और एक वक्त ऐसा आया जब पाकिस्तान की टीम पूरी तरह से संकट में नजर आ रही थी, क्योंकि बाबर आजम सहित उसके 5 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज मैच 101 रन पर ही पवेलियन लौट गए थे। लेकिन इसके बाद मोर्चा संभाला साउथ शकील और आगा सलमान ने, इन दोनों के बीच एक बेहतरीन साझेदारी हुई। हालांकि आगा सलमान भी 83 रन बनाकर आउट हो गए तो पूरा दारोमदार अब साउथ शकील के कंधों पर था। लेकिन साउथ शकील ने घुटने नहीं टेके और एक के बाद एक श्रीलंकाई गेंदबाजों की जमकर कुटाई की। आपको बता दें कि साउथ शकील ने इस पहले टेस्ट मुकाबले में दोहरा शतक ठोक दिया है। फिलहाल वो शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने दोहरे शतक में कुल 19 चौके लगाए हैं। साउथ शकील पाकिस्तान की ओर से श्रीलंकाई धरती पर दोहरा शतक ठोकने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। आपको बता दें कि साउथ शकील तीसरे दिन एक अलग ही रंग में नजर आए और उन्होंने तीसरे दिन के शुरुआत से ही श्रीलंकाई गेंदबाजों पर लगातार प्रहार किया और एक के बाद एक श्रीलंकाई गेंदबाजों को उन्होंने बख्शा नहीं। हालांकि आपको बता दें कि अब तीसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।